हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम बताने वाले हैं स्लाइस रिलीफ के बारे में। तो इसको समझने के लिए सबसे पहले हम एक रिलीफ ओपन करेंगे। यहाँ से देखिए, हमको एक रिलीफ ओपन करते हैं। मान लीजिए कि लक्ष्मी जी का जो रिलीफ है उसको ओपन करते हैं यहाँ से। ठीक है, ये हमारा हो गया। अब क्या करेंगे, इसको हम सेंटर में कर लेंगे यहाँ से, जैसा कि आपको हमने पहले बता चुका है। और यहाँ से हम कर देते हैं पेस्ट, और यहाँ से करते हैं क्लोज। ठीक है, यहाँ से हम करते हैं टाइल वर्टिकल। अब देखिए हमारा ये रिलीफ है। ठीक है, अब ये करता क्या है, इसको स्लाइस करता है। स्लाइस का मतलब इस डायरेक्शन में आने के बाद इस तरह से इसको कटिंग करता है। जितना भाग में आप चाहेंगे उसका ये कटिंग कर देता है। ठीक है, उसका यूज क्या होता है, जैसे मान लीजिए कोई हमको एक ऑब्जेक्ट ऊपर का निकालना है और किसी को छोड़ना है, तो इस तरह से हम यूज कर सकते हैं इसका। देखिए काम कैसे करता है। पहले यहाँ से जब हम क्लिक करेंगे इसको, तो पूछता है कंवर्जेटिव रिलीफ और सिलेक्टेड रिलीफ, तो आप किसी में भी रख सकते हैं। और यहाँ से जितना नंबर आप डालेंगे, जैसे मान लीजिए हम 5 नंबर डाल रहे हैं, तो इस रिलीफ को 5 भाग में कटिंग कर देगा। पहले इस रिलीफ की हाइट हम देख रहे हैं कितना है, जैसे 7 mm का रिलीफ है। ठीक है, और इसको हम कर देते हैं 6 mm। ठीक है, और ओके करते हैं। देखिए ये हमारा रिलीफ 6 mm का हो गया। अब हमें चाहिए कि इसको हम 2-2 mm का इसको कटिंग कर देते हैं। यहाँ से हम 2 mm डालेंगे, 3 बार में कटिंग हो जाएगा, 3 लेयर बनेगा। ठीक है, अरे यहाँ 1 डालेंगे तो यहाँ 6 लेयर पे बन जाएगा। ठीक है, ठीक। तो हम यहाँ पे मान लीजिए 2 mm डाल रहे हैं और यहाँ से स्लाइस करते हैं। तो देखिए यहाँ से हमारा रिलीफ का बढ़ता हुआ आएगा। 1 हो गया, 2 हो गया, ये इस तरह से 3 हो गया। ऑटोमेटिक ये आता रहेगा, और इसको हम बारी बारी से आपको समझा रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारा 3 बार में हो गया, 2, 2, 4, 3, 6। ठीक, तो 6 रिलीफ 6 भाग में हो गया। अब देखिए हम जब इसको ऑन करेंगे तो कुछ नहीं दिख रहा है। देखिए इसको पहले हम ऑफ कर दे रहे हैं, सॉरी बैकग्राउंड को ऑफ कर दे रहे हैं। देखिए ये सबसे अपर वाला भाग है, इतना हमारा दिख रहा है। इसे आपको कहीं पर ज़रूरत है, मान लीजिए किसी एक चीज़ का इसका, तो आप यहाँ से इसको कॉपी करके वहाँ पर जाकर डाल सकते हैं। ठीक है, इसको कॉपी कैसे करना है इसको भी मैं बता दूंगा। अब देखिए दूसरा रिलीफ जो है हमारा, इसके थोड़ा नीचे का दिख रहा है, ये वाला पोर्शन दिख रहा है आपको साफ साफ। और इसके नीचे का भी, इसको क्लिक करेंगे तो और इसके नीचे का दिखेगा हमारा। देखिए, और इसको क्लिक करेंगे तो पूरा रिलीफ हमारा शो आ जाएगा। ठीक है, देखिए ये हमारा पूरा कंप्लीट है और इसका लेयर है। जैसे हम इसको और इसको आप कर देंगे, देखिए हमारा बेस का जो है वही चीज़ दिखेगा इस तरह से। ओके, तो आप इस पे चाहेंगे तो दूसरा भी कुछ ड्रा कर सकते हैं इसके ऊपर, इसको बेस रख करके इस तरह से आप कुछ ड्रा कर सकते हैं। और इसका ये जो है, आप चाहेंगे तो इसको भी आप कॉपी पेस्ट करके कहीं पे यूज ले सकते हैं। तो इस तरह से इसका काम होता है। ओके दोस्तों, अब देखिए जैसे मैंने आपको बताया कि हम इसको कॉपी कर सकते हैं, तो इसको हम कैसे करेंगे। देखिए मान लीजिए कि ये ऑब्जेक्ट कोई फ्लावर या कुछ भी है, तो यहाँ से हम इसको करेंगे क्लोज। और यहाँ से हम जाएंगे, एक हम बनाएंगे 2D में जाने के बाद पहले इसको ऐसे करेंगे, और यहाँ से हम 2D में करेंगे और इसको सेलेक्ट करके इसको करते हैं पहले डिलीट। ठीक है, अब यहाँ पे क्लिक करेंगे तो हमारा जो भी था वो शो करने लगेगा। जैसे हमको इसको चाहिए, तो आप यहाँ से इसको क्लिक करेंगे और यहाँ से सेंटर पकड़ के इसको लेके आएंगे। क्लिक करने के बाद आप यहाँ से 0 रिसेट कर देंगे, तो इसके अंदर का पोर्शन रहेगा, बाहर का सारा गायब हो जाएगा। क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि देखिए ये हमारा इस पे यहाँ पे ऑन होना चाहिए। और इसके बाद अब यहाँ पे आप जाएंगे और इसको सेलेक्ट करके अब यहाँ इसको रिसेट 0 करेंगे, तो बाहर का सारा रिलीफ डिलीट हो जाएगा, अंदर का रिलीफ हमारा बचा रहेगा। देखिए हमारा अंदर का रिलीफ इस तरह से बचा रहेगा। यहाँ पे दोस्तों कंपोजिट रिलीफ का मतलब होता है जो हम रिलीफ इसमें ऑलरेडी सेव करके रखे हैं, जैसे हमने अभी किया। और ये जो है यदि हम काम कर रहे हैं इसी टाइम पे और इसी को रखना है, तो उसके लिए होता है स्लाइस करने के लिए। ठीक है दोस्तों, तो दोनों एक ही काम करता है, इसमें कोई खास नहीं है। ओके, अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब करना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।